आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। प्राइवेट अस्पताल की मनमानी पर स्वास्थ्य मंत्री सख्त, कहा पकड़े जाने पर होगा लाइसेंस रद्द। प्रेस क्लब में 40 बेड का कोविड सेंटर खुला। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल सिंह। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को रांची प्रेस क्लब में बिरसा मुंडा कोविड केयर मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोविड सेंटर के उद्घाटन से पत्रकारों को काफी राहत मिलेगी, यहां पर पत्रकारों का इलाज होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण झारखंड में ऐसी परिस्थिति देखने को मिल रही है। वैक्सीन भी अलग अलग राज्यों के अनुसार उपलब्ध करवा रही है, जितनी मांग है उसके हिसाब से बहुत ही कम वैक्सीन मिल पा रही है। जहां तक राज्य में स्वास्थ्य सुविधा की बात है तो प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से मनमाने ढंग से पैसे वसूले जा रहे हैं, इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर अपने रवैये में सुधार नहीं लाते हैं तो बड़े से बड़े अस्पताल का निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों में बेड की उपलब्धता पर कहा कि सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल, ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध है। अगर किसी को जरूरत होती है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। प्रेस क्लब के ग्राउंड फ्लोर में बनाए गए इस कोविड सेंटर में बेड और उपकरण सहित अन्य सुविधाएं हैं। इस कोविड अस्पताल में मीडिया कर्मियों के लिए कुछ बेड की अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि कोरोना की चपेट में आए मीडिया कर्मियों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही इस कोविड 19 में आम लोगों का इलाज भी किया जाएगा, इसके लिए आम लोगों को शुल्क भी देना होगा।